तो इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जाम्पल्स। हम ये चेक करेंगे कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर रहेगा या न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा। हम थोड़े से डिडक्शन ऑप्शंस को कंसिडर करने वाले हैं अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो कई सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बढ़ते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स को देखने। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है तो हमें ये पता चलेगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना होता है। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए उन इनकम लेवल्स पे। तो दोस्तों यहाँ पे डिडक्शंस हम कितना कंसिडर करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ डिडक्शंस हम क्लेम कर सकते हैं हमारा इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 हम कंसिडर करेंगे जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स के लिए अवेलेबल होता है। इसके अलावा सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या फिर लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स अगर आप पे करते हो तो वो सारे अमाउंट आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80CCD 1B में आप ₹50,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हो। ये वाला सेक्शन NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को बिलोंग करता है, तो आप अलग से इसमें इतना अमाउंट क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा सेक्शन 80D में ₹50,000 आप क्लेम कर सकते हो अगर आप खुद के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हो, प्रोवाइडेड कि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजंस नहीं है। सीनियर सिटीजंस के लिए अलग से ₹50,000 का जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी कंसिडर करेंगे कि आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो आपका जो HRA है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है वो आप 1 लाख रुपीज का क्लेम कर रहे हो। अब HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेशन कैसे होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा अपना HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे सेक्शंस होते हैं जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है जो कि आपको मदद करेगा इनकम टैक्स बचाने के लिए, लेकिन ये वाले जो सारे डिडक्शंस हैं वो पॉपुलर डिडक्शंस हैं जो कि ज्यादातर लोग यूज करते हैं अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। ध्यान रखिएगा कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका होम लोन जो आपने लिया हुआ है वो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपका जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो न्यू टैक्स रेजिम में एक्चुअल में लिमिटेड डिडक्शंस हैं जिनकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा पाओगे। तो यहाँ पे हम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से टोटल जो है 4 लाख रुपीज का डिडक्शंस को कंसिडर करेंगे और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से ₹50,000 का डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम डिडक्शंस को मेंशन कर देते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 4 लाख रुपीज का डिडक्शन हम क्लेम करेंगे, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से सिर्फ ₹50,000 का डिडक्शन हम क्लेम करेंगे मैक्सिमम अमाउंट। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A यह आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स जीरो करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करते हो और आपकी सालाना इनकम 5,50,000 रुपए है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 कंसिडर करके आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए आता है, तो 5 लाख या उससे नीचे का अगर अमाउंट होता है ओल्ड टैक्स रेजिम में तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए है, ये कंसिडर करके कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा, आपका टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए हो जाएगा जिसकी मदद से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये 2 लिमिट्स हैं 5 लाख और 7 लाख रुपए जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है जो कि आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इन अमाउंट्स के नीचे अगर आपका टैक्सेबल इनकम होता है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और यही चीज हम देखेंगे हमारे कैलकुलेशन में भी। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए की इनकम है, आपको कोई भी डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम अपना जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है उसको यूज करेंगे। तो हमें गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेएलसी ब्लॉग। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsi-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कैलकुलेटर इनकम टैक्स, इसको हम यूज करने वाले हैं। तो
तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से जान सकते हैं कि हमारा इनकम टैक्स कितना होता है। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 सेलेक्ट करते हैं, और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप बाकी के ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ताकि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिल जाए। बिजनेस ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, और पेंशनर में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये सिर्फ सैलरीड एंड पेंशनर्स के लिए अवेलेबल है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम में भी। इसके अलावा हमारी जो इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो हम यहाँ पे 3 लाख रुपीज की इनकम को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम 3 लाख रुपीज मेंशन करते हैं, हमें नीचे स्क्रोल करना है और देखना है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, 0 का इनकम टैक्स होता है दोनों ही टैक्स रेजिम्स में, बिना कोई डिडक्शंस को यहाँ पे क्लेम करे। तो दोस्तों यहाँ पे हम 0 का जो अमाउंट है उसको मेंशन कर देते हैं, और इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है तो आप ओल्ड या फिर न्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ओल्ड या न्यू मेंशन कर दिया है, जो कि टैक्स रेजिम है। अब दोस्तों ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो टैक्स रिबेट है वो ये कहता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम की लिमिट्स इतनी है, 5.5 लाख और 7.5 लाख, जिसपे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, 0 इनकम टैक्स यूजिंग ओल्ड टैक्स रेजिम। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा इसको अच्छे से समझने के लिए, जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया है कि किस तरीके से आपका जो इनकम टैक्स है वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। 4 लाख पे आपका कितना इनकम टैक्स होगा? तो वापस से हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी है उसको 4 लाख कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ओल्ड टैक्स रेजिम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स है। तो हम यहाँ पे 0 का अमाउंट जो है वो मेंशन करते हैं, और फिर वापस से आप किसी भी एक रेजिम को सेलेक्ट कर सकते हो इस इनकम के लेवल पे। 5 लाख के इनकम पे वापस से चेक करते हैं कि कितना इनकम टैक्स होगा। तो 5 लाख की इनकम पे भी वापस से 0 का अमाउंट है, क्योंकि टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो है वो हमें मदद कर रहा है कि हमें कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़े। अब दोस्तों 6 लाख की इनकम पे हमारा कितना इनकम टैक्स होगा? तो हम यहाँ पे वापस से आएंगे, 6 लाख रुपीज को मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से हमारी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5.5 लाख रुपए हो गई है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 माइनस करने के बाद इस इनकम में से। तो इसीलिए हमारा 23,400 का इनकम टैक्स होता है। लेकिन दोस्तों हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ पे 4 लाख रुपए का मैक्सिमम डिडक्शन करेंगे। तो 4 लाख के जगह आप सिर्फ ₹50,000 एक्स्ट्रा जो डिडक्शन है उसको क्लेम कर सकते हो, ताकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही हमने 50,000 रुपीज मेंशन किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब आपका ओल्ड टैक्स रेजिम 0 हो गया। तो यहाँ पे हम वापस से 0 का अमाउंट मेंशन करते हैं, और फिर यहाँ पे भी 0 का अमाउंट मेंशन करेंगे, और फिर यहाँ पे वापस से आपका जो रेजिम है वो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने इतना डिडक्शन यूज किया हुआ है इस इनकम के लेवल पे, ताकि आपका इनकम टैक्स 0 हो जाए। अब अगले इनकम लेवल पे बढ़ते हैं, 7 लाख रुपीज पे कितना इनकम टैक्स होगा? तो हम यहाँ पे वापस से 7 लाख रुपीज का इनकम कंसिडर करेंगे। अब ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 33,800 का जो इनकम टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डिडक्शन ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 80C में 1 लाख रुपीज और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 1,50,000 रुपीज हो जाता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हो, आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 5 लाख रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80C को कंसिडर करने के बाद, जिसका टोटल होता है 2 लाख रुपीज का डिडक्शन, और इसी की वजह से 7 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 5 लाख का आपका टैक्सेबल इनकम होता है, जिसपे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो वापस से हमारा ओल्ड और न्यू के हिसाब से 0 का इनकम टैक्स हो जाएगा। अब 8 लाख रुपीज पे आपका कितना इनकम टैक्स होता है? तो यहाँ पे हमने 8 लाख रुपीज मेंशन कर दिया। अब आपका इतना इनकम टैक्स होता है ओल्ड रेजिम के साथ, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में भी अब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8 लाख की इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 तो माइनस हो गया, तो 7.5 लाख रुपए अभी भी है, लेकिन इसकी जो लिमिट है वो 7 लाख रुपीज की है, जहां तक न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का सवाल है। तो इसी की वजह से आपको इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अभी भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो सेक्शन 80D में हम 50,000 रुपीज मेंशन कर देते हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था, हमारा जो
लिस्ट ऑफ डिडक्शंस है उसको कंसिडर करने के टाइम ऑफिस सेक्शन 80CCD 1B में भी 50,000 रुपीज हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 80CCD भी है, तो ये 50,000 रुपीज हमने मेंशन कर दिया इस सेक्शन में भी, तो इसी की वजह से आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जीरो का इनकम टैक्स हो गया। और फिर न्यू टैक्स रेजिम के साथ इतना हुआ है जिस चीज को हम कॉपी करेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से जीरो का इनकम टैक्स है क्योंकि हमने डिडक्शंस को क्लेम किया है। और इसी के वजह से आपको ओल्ड टैक्स रेजिम यहाँ पे चूज करना बेटर रहेगा क्योंकि आपका जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाएगा कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम जिसमें आपको कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा इस लेवल पे। अब 9 लाख की इनकम पे देखते हैं कि कितना इनकम टैक्स होता है, तो यहाँ पे 9 लाख रुपीज हमने मेंशन कर दिया, तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ इतना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन क्या हमारे पास और भी डिडक्शंस हैं जो हमने कंसिडर किए हैं? जी हाँ, एक लास्ट ऑप्शन ये है HRA अमाउंट जो कि हमने 1 लाख रुपीज का कंसिडर किया है, तो यहाँ पे हम HRA को भी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 3.5 लाख यहाँ पे टोटल डिडक्शंस हो गए हैं और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 को भी मिला के आपका 4 लाख का डिडक्शन होता है। और इसी की वजह से 9 लाख माइनस 4 लाख यानी कि 5 लाख का टैक्सेबल इनकम होगा जिसपे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में इतना अमाउंट है, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेल में 41,600, लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में अभी भी आपका जीरो का इनकम टैक्स है, तो वापस से आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना बेटर ऑप्शन रहेगा। अब दोस्तों इसी प्रकार से ये 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक आपका कितना इनकम टैक्स होता है उसको भी मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये जो बाकी के इनकम लेवल्स है उस पे भी ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कितना इनकम टैक्स होता है और इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 14 लाख के इनकम तक आपको ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना बेटर रहेगा अगर आपने 4 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 14 लाख के ऊपर जाती है, 15 लाख से लेके 20 लाख तक अगर आप कंसिडर करो, तो यहाँ पे आके आपका न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जैसे कि आप देख सकते हो कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। यहाँ पे इनिशियली तो कुछ 3-4 हजार रुपए का डिफरेंस हो रहा है लेकिन आगे चल के ये डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा होते जाएगा। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे सिर्फ 4 लाख रुपीज का डिडक्शन कंसिडर किया हुआ है। इसके अलावा आप और भी कई सारे डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो, तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पे एक अलग से आर्टिकल लिखा हुआ है जहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ डिडक्शंस इन सेक्शन 80C एंड अदर सेक्शंस, तो बाकी के सेक्शंस और कौन से हो सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक एग्जांपल लेने के लिए सेक्शन 24 में हम इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन इसके हिसाब से 2 लाख रुपीज तक क्लेम कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 20 लाख रुपीज का जो हमारा एग्जाम्पल है उसको कंसिडर किया और फिर पूरा का पूरा 2 लाख रुपए अगर हम सेक्शन 24 में क्लेम करते हैं, तो चेक करते हैं कि हमारा ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जो 3,04,200 रुपीज का इनकम टैक्स है जो कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो कितना हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 24 में 2 लाख रुपीज जैसे ही मेंशन किया, जैसे कि आप देख सकते हो 2,41,800 रुपीज अब होता है आपका टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जो कि कम है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम जिसमें आपको ज्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और इसी की वजह से ये डिपेंड करता है कि आप कौन से डिडक्शन ऑप्शंस को यूज करते हो क्योंकि इस केस में आपका ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर रहेगा कंपेयर टू जो हमने यहाँ पे देखा जब आपका सिर्फ 4 लाख रुपीज का डिडक्शन अमाउंट था। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से चेक कीजिए कि आप कितने डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो ताकि आप मैक्सिमम इनकम टैक्स सेव कर सको जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो। इस कैलकुलेटर पेज पे मैंने कई सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए बनाए हैं जिसमें पोस्ट ऑफिस की कई सारी सेविंग स्कीम्स भी इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टैक्स रेजिम सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एंड्रॉयड ऐप बनाया है जिसका नाम है फिनकेल्सी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल फिनकेल्सी TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें।
फिर मिलते हैं किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।